चले जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। राष्ट्रीय गान के बाद ये हमारा सबसे आदरणीय गीत है। इसी गीत की शाखों पर हमारी आजादी के तिरंगे फूल आए। इसी आजादी की आशा की किरणों के उजाले में हमारे नेताओं ने अपने हाथों अपना संविधान लिखा, ताकि देश से गरीबी, भुखमरी, बहन बेटियों का व्यापार और बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म किया जा सके और इन्हें बराबरी का हक दिया जा सके। एक तरफ संसद भवन की दीवारों पर अहिंसा, त्याग, प्रेम और न्याय की मूर्तियां और दूसरी तरफ हमारे गांव कस्बों में फैलता हुआ अन्याय, जातीयवाद, क्षेत्रवाद और कट्टरवाद का कीचड़, जो गांव की तरक्की को आगे बढ़ने से रोक रहा है। कानूनी किताबें इस बात की गवाह है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन दौलत और ताकत के नशे में चूर ये लोग सबूत है कि हमारे गांव में अभी भी सरपंच तंत्र है। नमस्कार। राम राम सरकार। राम राम मलिक। नमस्कार हुजूर। नमस्कार। राम राम मलिक। भैया बाबूराम, थोड़ा पानी बचा हो तो। अरे काहे नहीं काका, खबरदार जो तूने पानी पिया तो। पानी पीने में अभी और 12 मिनट बाकी है। चुप बेघड़ी की औलाद, वक्त सिर्फ मरे का होता है, आया समझ में? लो काका पानी पियो। चुप। क्या बोला? दोबारा बोला ना तो जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? मार डालोगे ना? ये लो मार डालो। अगर हम जिंदा होते तो हम तुम्हारे डंडे खाकर चुप न रह जाते, रोटी मांगते।
तुम्हारे सरपंच की मोटर को भी तेल पानी की जरूरत पड़ती है। जी मालिक, ये शोर कैसा हो रहा है? क्या पता मालिक, मजूर है तो शोर गुल तो होते रहते हैं। जाके देख। जाए मालिक? हाँ। अच्छा मजूर? क्या है? एक मजदूर का पांव चट्टान के नीचे दब गया है। चट्टान बहुत भारी है। जी सरकार। फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? टाइम बर्बाद मत करो। टांग काट दो। जी सरकार। ये क्या हो रहा है? चलो सब अपने काम पर भागो। क्यों कुत्ते के माफिक चिल्ला रहा है? मर गया। अभी ठीक किए देता हूं। ये ले। देख क्या रहे हो भाइयों? आइए जरा मदद कीजिए बेचारे की। फंस गया है। उठाओ, जोर लगाओ, उठाओ, इसे अस्पताल लेके जाओ। संभाल के चलो। ये मारा। आय हाय मेरे राजा, बजा दू तेरा बाजा। मुझे किसी ने मारा? हाँ मारा। कैसे? राती
बेच चुके? हाँ। तो अपना नाम बताओ। छोटे वाला बताओ के बड़े वाला? अभी छोटे हो इसलिए छोटा वाला बताओ। मुन्ना। अच्छा एक बात बताओ, गांव का स्कूल कहाँ है? तुम कौन हो? मैं स्कूल मास्टर हूँ। एक काम कीजिए, आप अपने नाक के सीध में चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ का पेड़ मिलेगा, वहाँ से आप दाईं ओर चले जाइए। अच्छा। अच्छे किस्म के जानवर, मजबूत किस्म के जानवर आपको ज्यादा से ज्यादा दूध दे सकें, इसके लिए सरकार ने आपके गांव में कृत्रिम वीर्यदान केंद्र खोला है। यहां पर सेहतमंद तंदुरुस्त किस्म के सांड का वीर्य इसमें निकाल करके इस तरह रखते हैं नली में, और जब गाय गर्म होती है तो इस नली द्वारा उसके गर्भाशय में ये वीर्य प्रवेश कर देते हैं। उससे अच्छे किस्म के, मजबूत किस्म के, हेल्दी किस्म के जानवर पैदा होते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा दूध मिलता है। यह है वीर्य इकट्ठा करने का तरीका। एक्सक्यूज मी मिस्टर। मिनिस्टर? मैं अच्छा खासा इंसान हूं, आपको सूरत से मिनिस्टर लग रहा हूं क्या? खैर कोई बात नहीं, गाय है बछड़ा? जी जी। अम्मा जी 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 क्या कर रहे हो? गाय को गाभिन कराना है तो बोलो, बछड़े को बधिया कराना है तो बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मास्टर साहब आपको प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, लेकिन स्कूल में क्यों? हेडमास्टर। अम्मा दुनिया की ट्रेजडी यही है कि जो मैं हूं वो कोई नहीं समझता। जब मैं पहली दफे इस गांव में आया था ना तो सरपंच ने मुझे थानेदार समझा, और जब मैं ट्रेन में या बसों में सफर करता हूं तो लोग मुझे एमएलए या एमपी समझते हैं। तो क्या आप हेडमास्टर नहीं है? ओहो, मुझे पागल कुत्ते ने कहा है कि मैं हेडमास्टर बनूंगा। तो फिर स्कूल में क्या कर रहे हैं आप? स्कूल? जी हाँ, और यहाँ से अपने जानवर हटाइए, यहाँ कल विद्यार्थी बैठेंगे। विद्यार्थी और यहाँ? जी हाँ, ये कोई जानवरों का अस्पताल नहीं है, स्कूल है। ओहो मेरे बाप, अरे ये जानवरों का अस्पताल है और मैं हिंदुस्तान का मशहूर लोकप्रिय डॉक्टर सुरेंद्र प्रकाश घोड़ा, मेरा मतलब है सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर घोड़ा के नाम से मुझे याद किया जाता है। देखिए अगर आपको गाभिन होना है या आपको बधिया होना है तो यहाँ रुकिए, वरना तशरीफ ले जा रही है, फुटिए फुटिए। मेरा मतलब है आप यहाँ के नए मास्टर तो नहीं है? जी हाँ वही तो कह रहा हूँ कब से, और अगर आप मुझे स्कूल का रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए आप हमें क्षमा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप नए आदमी हैं, यहाँ से सीधे सरपंच के घर चले जाइए, वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पूज्य पिता समान हैं, आप उनके घर चले जाइए, वहीं से आपके सारे रास्तों को पता चल जाएगा। हाँ तो ये बात बताओ कि तुम लोग मेरी हवेली से लोगों को जूता मारने की तनख्वाह लेते हो, लेते हो क्या नहीं है? और फिर जूते खाकर वापस कैसे चले आए? और फिर जूते खाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि हमारे पाँव में भी जूता है, और ये जूता उस 2% के मास्टर के जूते से पतला नहीं मुत्ता। बिल्कुल ठीक सरकार, आप क्यों तकलीफ करते, आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ ना इनकी जय गोपाल जी की। बैठिए। गधे कहीं के नालायक, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, ना कट गई और छटक के गिर गई, उधर हो गए ना जय गोपाल जी के, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, दिन भर बैठ के मुस्टंडो की तरह खाते पीते रहते। मास्टर जी आ गए। अरे मास्टर जी आ गए तो हम क्या करें? सुबह छटक गया जी। आइए आइए मास्टर जी, आइए आइए। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अगर मैं पैर के नाखून ना कटवा रहा होता तो मैं भी खड़ा हो जाता, लेकिन आप मुझे खड़ा ही समझिए, मगर आप बैठिए। धन्यवाद। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मास्टर जी कि गांव आने के बाद आपकी पहली मुलाकात इनसे हुई, गधे कहीं के, लेकिन अच्छा किया आपने इनकी जूतों से खातिर की, बहुत चढ़ गए थे। इन लोगों को हजार बार समझा चुका हूँ कि जिनको हिंदी भाषा आती हो उनको जूते की भाषा समझाने की जरूरत नहीं, समझते ही नहीं, गधे कहीं के। अरे एक तो ये सरकारी नौकर है, ऊपर से मास्टर जी है, और सोने पे सुहागा ये कि पढ़े लिखे हैं, गधे कहीं के। जरा मेरा जूता दे रहे। रहने दीजिए ठाकुर सर। जाने दूं? आपके कहने पर छोड़ देता हूं। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भागो।
तो आप नए मास्टर हैं? जी हाँ, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जी का लड़का हूँ। ओह, द्वारका प्रसाद जी के पुत्र हैं आप? इसी गांव के थे वो, बहुत नेक इंसान थे। छटंगिया जी मालिक, जरा मास्टर जी को स्कूल पहुंचा दे ठीक से। जय गोपाल जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए। अब अपने सरपंच जी आपको क्या बताएं? इतने भले मानस हैं कि बस पूछे मत। जब उनको ये पता चला कि खान का बच्चा आप पर हाथ उठाए दिस, तो उस पर ऐसा बरसे कि क्या बरसे का ससुराल सावन भादो। और बातें भी बड़ी मीठी करते हैं। मिठास, अब मिठास की क्या बात करत हो? अब सुनो, मालिक के एक के भांजा है, वो बचपन में चले गए लंदन, पर साल वापस आए लंदन से। आते ही मालिक के नबज पकड़ के कहे कि आपको डिप्टिक है। डिप्टिक डायबिटीज? वही डायबिटीज। हाँ, तो मालिक का इस चक्कर का बीमारी बढ़ते बढ़ते खून में ऐसा बढ़ा मालिक कि वो जुबान पे आ गया और जुबान मीठी हो गई। अब जब बोलते हैं तो बस मिठाई निकलता है। मालिक इस बात पे ठटाए के हंस पड़े। अब विजय बाबू देखिए, ये सब तो बड़े आदमी के लक्षण है कि नहीं? अब क्या बताएं विजय बाबू, अपने मालिक आहा, मालिक हैं बड़े शुद्ध और आचरण आचरण है उच्च। ये ले 10 रुपया। पता नहीं सरकार को इतनी जल्दी मास्टर जी कैसे मिल जाते हैं। सरकार के पास कोनो चीज की कमी नहीं। बाकी रहे उस्मान मा सब, वो तो बहुत ही अच्छे रहे। इतवार के साथ साथ जुम्मे की भी छुट्टी, बाकी बचा बीच का शनिचर, जो चाहे आए जो चाहे ना आए, बस 3 दिन की छुट्टी। मासा अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कान पकड़ के सौ बार उठक बैठक कर रहे हैं मास्टर जी। एको उठक बैठक करने की बहुत प्रैक्टिस है मास्टर साहब। ये कसरत घर जाके कीजिए मुन्ना जी, ये स्कूल है अखाड़ा नहीं। शरारत करने का बच्चों को अधिकार है, लेकिन किसी को गलत रास्ता दिखाना ये तो नेताओं का काम है। अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो ये कह देने में कोई शर्म नहीं है कि आपको रास्ता मालूम नहीं है, मगर किसी को गलत रास्ता दिखाना ये महापाप है। इसलिए मुन्ना जी आप आइए और ब्लैक बोर्ड पे लिखिए कि मैं आइंदा कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। ये लीजिए। मैं आइंदा किसी को गलत रास्ता नहीं बताऊंगा।
देवता, मैं हर नाग पंचमी के दिन तुम्हें दूध पिलाया करूंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं, अब एक रोटी बना देते हैं। भूखे पेट तो आप पढ़ नहीं सकते, और रोटी पकाने में तुम कम से कम आधा घंटा लोगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम स्कूल ही गोल कर जाते हैं। मुन्ना, स्कूल गोल करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम आप में रहा करो, ऐसे तो तुम कभी भूखे नहीं रहे। चलो, हम तुम्हें स्कूल छोड़ाते हैं। हम खुद ही चले जाएंगे। मुन्ने, काहे को झगड़ रहा है रे बहन से? हाँ, देखिए ना बापू, स्कूल का वक्त हो गया और यहाँ खाना ही तैयार नहीं। देर भाई तो मास्टर जी की डांट हम पर ही पड़ेगी ना। तूने ही तो कहा था कि हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। अच्छा, एक दिन भूखे पेट ना जा सकते? जूता खाने को मन हो रहा है क्या रे? चल जल्दी से स्कूल चला जा, मुंह क्या देख रहा है जनकिया? हाँ? इसे स्कूल छोड़ा, चल जल्दी कर। अच्छा बाबा, चल। सुरेल हाजिर। अनिल हाजिर। अमित हाजिर। जीतू हाजिर। गोविंदा हाजिर। मास्टर नीलम हाजिर। संजय हाजिर। अमीर हाजिर। डोंडी रुक, काहे को गई, चलना। एंथनी, हम खड़े हैं ना। लता, तू जा, अगर पूछे आशा तो कह देना दीदी की तालन देरी हो गई। वाह, टीवी खूब रही, रस्ते पर तो कहती थी कि डरने की क्या बात है, यहाँ तक गिजी बंद गई। इसमें डरने की क्या बात है, हम थोड़े ही डर रहे हैं। आइए श्रीमान मुन्ना जी, आइए। इसी का कारण देर हो गई मास्टर साहब, पूछ लीजिए इसे। मुन्ना, मुन्ना मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी तुझे। भाई वाह, एक तो हमारे विद्यार्थी को आने में देर करवा दी, ऊपर से मारने की धमकी। और पता है मास्टर साहब, रास्ते पर कहती रही कि तेरे मास्टर जी की सूरत बहुत अच्छी है। अब थोड़ी सी पढ़ाई की जाए मास्टर साहब। हाँ आइए आइए। आपके हर छोटे बड़े काम में आपकी सहायता करने के लिए आपके झोपड़ी तक ना तो भगवान आ सकते हैं और ना ही भारत सरकार, क्योंकि भगवान भी एक ही है और भारत सरकार भी एक, लेकिन झोपड़ियां अनेक हैं। तो आप लोगों को अपनी सहायता स्वयं ही करनी होगी, अपनी भूख गरीबी के खिलाफ संगठित होकर
एक लड़ाई लड़नी होगी और वो लड़ाई शुरू होगी परिवार नियोजन से, कम बच्चे पैदा करके। मैं ये नहीं कहती कि पति और पत्नी के संबंध जरूरी नहीं, लेकिन इस संबंध का मतलब ये तो नहीं कि आप बच्चे ही पैदा करते चले जाओ। बेशरम, यदि आपको पैदा करने का शौक है तो ज्यादा गेहूँ पैदा कीजिए, ज्यादा तिलन पैदा कीजिए, ज्यादा चावल पैदा कीजिए, सिर्फ बच्चे ही क्यों? और बच्चे अगर पैदा होते रहे तो हमारी, सुनिए सुनिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरे माताओं बहनों, रुको रुको, अरे ये डॉक्टर साहब का ये भाषण तो सुनते जाओ। माताओं बहनों, मालिक, भाषण करने से पहले अगर आप हमें मिली होती तो हम आपके भाषण के लिए 2-4 हजार आदमी इकट्ठा कर देते। खैर कोई बात नहीं, अब खुली हवा में परिचय हो जाना ही अच्छा है। बोल बे छटंकिया। जी हाँ मालिक, जयगोपाल जी की ई है हमारे माई बाप, ई गांव के धर्म रक्षक, कर्म भोगी, स्वयं सरपंच ठाकुर राम लखन सिंह जी। नमस्कार। आप अपनी बताइए। मैं परिवार नियोजन की लेडी डॉक्टर आशा रानी हूँ। मैं तो आपसे मिले हवेली भी आई थी, लेकिन आप मिले नहीं। ओह, तो आप आई थी। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई आशा रानी जी। हम भी फैमिली प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, ये लोग अनाड़ी है नहीं जानते, लेकिन हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ी और आप हमारे पास आधी रात को भी आई और हमारे दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयगोपाल जी। चल इधर आओ, इधर आओ। नमस्ते साहब। नमस्कार। खाने की छुट्टी कितने बजे करते हो तुम? खाने की छुट्टी हमने बंद कर दी है साहब, खाने के बाद उंगने लगते थे तो हमने किया ये कि सुबह 6:05 पर ड्यूटी शुरू कर देते हैं और शाम को 6:55 पर छुट्टी की घंटी बजा देते हैं साहब। ऐसा क्यों, इसमें क्या फायदा? अभी तक दोपहर में आधे घंटे की छुट्टी देते रहे साहब, वो छुट्टी बंद करने से 20 मिनट का फायदा, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे पुराने टाइम पर लौट जाएंगे। कौन से घड़ी बांध के आते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। सोच रहा हूँ आपकी बार जब मंत्री जी आएंगे जी, तो उनके हाथों मजदूरों में मुफ्त में चना चबेना बंटवाना शुरू कर दूं, पत्र पत्रिकाओं में फोटो बीटो भी छप जाएगी। ए मालिक, जब फोटो में छपवाना है तो मुख्यमंत्री जी के साथ छपवाइए ना। मैं अपने गांव लौट आया हूँ। मैंने जो गरीबी यहाँ से बाहर देखी थी, जिस गरीबी के बारे में पढ़ा था, वो तो कुछ भी नहीं है। बंधुआ मजदूरों पर जो अत्याचार यहाँ हो रहे हैं वो शायद ही कहीं और हो, पर मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। क्या यही गांधी जी के सपनों का भारत है? क्या यही आजादी है जिसके लिए देश के नेताओं ने अपनी जान दी? इस गांव की जेल से कब ये भारत के निर्माण करने वाले आजाद होंगे? मास्टर जी। अरे मुन्ना, तुम? देखिए मैंने टेलीफोन बना लिया। भाई वाह, तुम तो इंजीनियर बन गए। आवाज भी साफ सुनाई देती है। अच्छा, ये लीजिए अपना एक टेलीफोन और एक टेलीफोन अपने घर रखेंगे, जब भी कोई मुश्किल हुई हम दन दना कर पूछ लेंगे, इसलिए डोरी भी लंबी बनाई है। हम अभी घर जाकर आपको टेलीफोन करते हैं। मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ बोलो मुन्ना। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपने मुझे 10 तक का पारा याद करने को बोला था ना, मैंने कर लिया है, सुनाओ। 8 का सुनाओ। 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, बाकी का पारा तुम सुना दो ना। जी जी, 8 × 32। जानकी। हाय, मैं मर गई। तुम्हें पाड़ों के सिवा और भी कुछ याद है? पूछिए। हम याद हैं? यह हंसने की बात नहीं है जानकी। तो हम क्या करें? ए जनकिया, किससे बात कर रही है? मास्टर जी से। फोन हमने बनाया बापू। तू चुप कर। जानकी, जानकी, जब तक मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मेरा प्यार पाप लगता रहेगा। जानकी तुम सुन रही हो ना? जानकी हाँ मार्ग साहब, आप बोलते जाइए, हम सब सुन रहे हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। हम जानकी के बाप है बाबूराम। बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। तो फिर आपको बताने आए हैं कि इज्जत खाली बड़े लोगों की नहीं होती, हम गरीब भी इज्जतदार हैं। तो मैंने कब कहा कि आप इज्जतदार नहीं हैं? क्या मेरे मुन्ने को अपनी बेटी से प्रेम करने दीजिएगा? नहीं, मैं मुन्ना को ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी मुन्ना की भांजी होगी। क्या कहा? मेरा मतलब यह है कि मेरी बेटी मुन्ना की भांजी ही तो होगी, क्योंकि अगर आप इजाजत ना भी दें तो भी मैं जानकी से ही शादी करूंगा। आप बाबूराम की बेटी से ब्याह करेंगे? जी हां। आप जाके मुहूर्त निकलवाइए और ये भूल जाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय, अगर बापू तुम्हें गंदा सा मार देते तो? तुमने संत कबीर का नाम सुना है? मैंने किसी का नाम नहीं सुना। मुझे या तो तुम याद हो या तुम्हारे पहाड़ी। एक तुनी दो, दो तुनी चार। आप गाइए ना। अच्छा तो सुनो। तीन दुनी छह तो चार दुनी आठ, दिल से मिला तेरे संग दिल की बात। दिल भी तू है जा भी तू है, दिल का हर मान तू है। सारे जहां से बढ़ के मेरा ईमान तू है। तेरा ये अंदाज भी तो लगे बड़ा प्यारा। रही है जानम। प्यारा मेरे यार,
सोलह तुम नौगुनी अठारह नौगुनी अठारह दस दुनी भी मैंने जो भी चाहा था उसे मिल गया है ज्यादा मास्टर साहब। अरे ठाकुर साहब आप नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लगता है शिक्षा के स्तर में काफी तरक्की हो रही है, है? कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? बस ठीक ही है, लेकिन पढ़ाई के साधनों की बहुत कमी है। किताबें तो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं और खेलकूद का तो सामान ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप पहले मास्टर जी हैं जिन्होंने इन समस्याओं पर इस प्रकार ध्यान दिया है। खैर, कल मंत्री जी आने वाले हैं, उनको कहकर शिक्षा मंत्री के नोटिस में ये बात ला सकते हैं। हमारा गांव नसीबों वाला है, आप जैसे मास्टर जी आ गए हैं, गांव के बच्चों का भविष्य जरूर सुधर। आम के पेड़ से पायल, कहीं आपकी तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कैसे हो सकती। नहीं, खैर किसी की भी हो आकर ले जाएगा। अच्छा मास्टर जी चलता हूँ, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरने ना पाए जी। अच्छा, ध्यान रखना है। वाह, हमारी पायल दे दो। ओ, तो मतलब ये पायल आपकी है? मुझे लगा उस पेड़ की है, लेकिन इस पायल की आवाज जितनी मधुर है ना, उतनी आपकी आवाज मीठी है। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया आपको। आ, 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 आ। वाह वाह। चले माना छटंग किया, ये तो बाबूराम की बेटी थी ना? जी हाँ मालिक। राम राम मालिक। राम मालिक। राम राम मालिक। बाबूराम को बुलाओ। जी मालिक। हाजिर हुआ सरकार। जूते खोलो। लीजिए मालिक। बाबूराम, आज तुम्हारी बिटिया को देखा। बड़ी हो गई है। उसी के लिए आए हैं मालिक, ये बताने के लिए कि जनकिया अब जवान हो गई है। उसके ब्याह कराने की इजाजत मांगने आए हुजूर। हाँ करिए, जरूर करिए। लड़की अब ब्याह करने के लिए तो जवान होती है ना? छटंगिया। जी मालिक। बाबूराम को 500 रुपया दे दो। अच्छा, धन्यवाद महबाब, धन्यवाद। लेकिन बाबूराम जी,
तुमको इतनी जल्दी लड़का कहाँ से मिल गया बे? लड़का तो यूं समझिए माए बाप, भगवान भेज दिए हैं इंद्रलोक से। अच्छा, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, कमाऊ पुत्र है। कमाऊ पुत्र है जी? कौन है? अपने अपने मास्टर साहब। मास्टर साहब जी? महात्मा गांधी की जय। जय हो बापूजी, जय हो। लो, अरे द्वारका प्रसाद के बेटे से तेरी बेटी की शादी हो रही है, तेरी तो जाति बदल गई बाबूराम। बहुत दूर की कौड़ी ले आया। आपकी दया है मालिक। दया दया। जा जा, पैसे ले ले, पैसे ले ले। जय हो मालिक की, जय हो। ए, आज बेवक कैसी आ गई शांतिया? बेवक नहीं हूँ मालिक, एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। अच्छी खबर सुनाने आई हो? बैठो बैठो, यहाँ बैठकर सुनाओ मुझे। जमीन की चीज जमीन पर ही अच्छी लगती है मालिक। अच्छा, तो ठीक है, जमीन पर बैठ के सुनाओ। मगर शादी से पहले ये सब करने की जरूरत क्या थी? अच्छा बाबा, रो मत, कल आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। दरअसल मैं कई दिनों से आपको धन्यवाद देने की सोच रहा था। धन्यवाद किस बात के लिए? आशा जी, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। फैमिली प्लानिंग के बिना इस देश का उद्धार हो ही नहीं सकता। दरअसल हमारे आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी को लगभग तोड़ के रख दिया इस बढ़ती हुई आबादी ने, और अगर इन औरतों ने हड़ताल न की तो राजनीति, चूहे और बच्चे मिल मिलाकर इस देश को खा जाएंगे। बातें काफी इंटरेस्टिंग करते हैं आप। लेकिन मास्टर जी, शिक्षा के बिना फैमिली प्लानिंग भी तो इम्पॉसिबल है, क्यों, क्या ख्याल है आपका? जय गोपाल जी की। वो तो है। अच्छा, अच्छा जी, चलते हैं। हाँ मालिक। अच्छा जी, हम अपन आंखन से देखा, दोनों ससुर कबूतर की तरह गुटरगू गुटरगू किए जात रहा। छडंगिया, ये मास्टर बड़ा चंट निकला है जी। उसको जानकिया की हाथ की गर्मा गर्म बाजरे की रोटी खाने को मिल गई, और बाद में मुंह मीठा करने के लिए आशा रानी मिल गई गुड़ की डल्ली की तरह। ये बड़ा अन्याय छटंकिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हुजूर, डॉक्टर ने जी आई है। बिठा उसको, हम अभी आते हैं। ठीक है, बराबर। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। 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 आपने आकर इस झोपड़े की शान ही बढ़ा दी है? आप खड़ी क्यों, बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे एक बहुत परम मित्र थे शिवशंकर प्रसाद त्रिवेदी, उनसे कोई कहता कि नमस्ते तो वो कहते हम कुछ नहीं समझते। और कोई उनसे कहता कि चाय पीजिएगा या शरबत पीजिएगा तो कहते थे हमें पिया ही समझिए। इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी में उनका नाम समझे पिया पड़ गया था। यूनिवर्सिटी में? हैरान क्यों हो गई? लखनऊ यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ। साल डेढ़ साल वकालत भी की है। अच्छा अच्छा। और फिर देखा कि मंत्री या प्रधानमंत्री होने का कोई चांस नहीं, वकालत भी नहीं चल रही है, फिर गांव वापस लौट आया। वैसे सरपंच की भी एक छोटी सी मिनिस्ट्री होती है, और वो भी संसद का सामना किए बगैर। खैर छोड़िए इन बातों को, अब मैं आपको सिर्फ पिया ही समझू या आपको चाय कॉफी वगैरह भी लेंगी? जी नहीं शुक्रिया, दरअसल मैं आपके पास एक पर्सनल प्रॉब्लम से आई थी। पर्सनल जी? अच्छा, एक मिनट, आप लोग बाद में मिलेंगे। जी हाँ। नमस्ते। 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 पता क्या है कि मेरी माँ कैंसर की मरीज है, मैं चाहती हूँ किसी तरह से मेरा ट्रांसफर शहर में हो जाए तो मैं अपनी माँ की देखभाल भी कर सकूंगी और उनका इलाज भी हो जाएगा। वैसे आप और मास्टर जी जब से इस गांव में आए हैं, गांव तरक्की की ओर दौड़ रहा है। जी हाँ,
मास्टर जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे हैं मास्टर जी, और आप भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम बहुत सीरियस है जी। हाँ। तो परसों मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे कहकर मैं आपकी ट्रांसफर करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। जा रही हैं आप? जी हाँ, वो क्लिनिक। नहीं नहीं, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट। जी, ये रहा मेरा एप्लीकेशन, उम्मीद है कि मेरा काम हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ। अंगूठा निशान लगा दिया मालिक। सुबह मास्टर जी को बुला कर ला जल्दी। जी मालिक, अभी लाए थे मास्टर जी के। जय गोपाल जी की मत साहब। आओ भाई चटंकी लाल जी, आज कैसे तकलीफ की? अब मालिक तनिक देर के लिए बुलाए हैं आपके। अभी और क्या, चलिए बस अब चल दो। देखिए श्रीमान विजय कुमार जी, हम हैं यहाँ के सरपंच, इस वास्ते हम पर जिम्मेवारी है यहाँ के लोगों के प्रति। आपने जानकी के साथ प्यार का चक्कर चलाया है, हम चुप रहे? भाई दो दिलों के बीच में आने वाले हम कौन होते हैं? माना कि एक दिल ठाकुर का है, दूसरा है ऐसा ही अनछंड अनछंड। लेकिन हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप जानकी और डॉक्टर ने दोनों के साथ चक्कर चलाए। ये प्यार नहीं, कबड्डी का मैदान हो गया है, कबड्डी का मैदान। जब जी चाहे जानकी 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 कहते उस पाला में चले गए, और जब जी चाहे आशा आशा कहते इस पाला में चले आए। देखिए श्रीमान जी, ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है हमारा। बस यही कहने के लिए बुलाया था, जाइए। ऐसे कैसे चला जाऊं मुखिया जी? अब तक आप बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, अब मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। आप इस गांव के सरपंच जरूर हैं, लेकिन मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूं। ना ही मेरे दिल पे आपकी खुद काश्त है, और ना ही आपके पत्थरों की खान है। ऐसी बेहूदा हरकतें अपने चमचों के साथ कीजिए। सुनो चिरंजीव विजय कुमार, तुम्हें लकीर की तरह सीधा करने के लिए मुझे शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाप को पढ़ा चुका हूं, तुम्हें भी पढ़ा दूंगा। पढ़ाने की बात मत कीजिए सरपंच साहब, मास्टर मैं हूं, पढ़ाना अच्छी तरह जानता हूं। अबे जा। जय गोपाल जी की मत साहब। मालिक जब शुद्ध हिंदी में बोले तो समझो सहमत आ गई। मुझे तीन भैंसों और दो गायों को गाभिन करना है, और एक बकरी मां बनने वाली है, लेकिन मंत्री महोदय अभी तक नहीं आए। मंत्री जी अगर टाइम पे आने लगे हाँ। तो ये देश सुधर ना जाए। हाँ। वाह भैया रामलखन, शो तो बहुत अच्छा अरेंज किया तुमने, फूलों से लाद दिया मुझे। अब तो वजन भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अरे भैया हम तो फ्रेंड इन नीड वाले खाने में आते हैं ना। लो अब ये पतले पत्तों की माला पहन लो। छह बार रास्ते में लाठी चार्ज हुआ और एक बार तो पुलिस को हवाई फायर भी करना पड़ा। कह के देखो भैया, अगर जरूरत पड़ी तो 10-20 लाशें हम भी गिरवा देंगे। लेकिन भैया तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। आने दो, अरे जो चीज आ रही है उसको आने दो। ऐसी बात नहीं है भैया, मुख्यमंत्री ख्वामखा मुझे हटाने के चक्कर में है, उसे तो स्वयं कायस्ते को कुछ चाहिए ही नहीं, ब्राह्मणों के सख्त खिलाफ है वो। इतना बड़ा मोटा चिट्ठा शिकायतों का मेरे हाथ में थमाकर कहता है, लो भाई तुम्हारे मित्र राम लखन का ये कच्चा चिट्ठा, अगर कुछ बोलता नहीं हूं तो मेरी छुट्टी करता है वो। और अब यदि तुम कुछ नहीं बोलते चौधरी साहब, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा।
अरे रामलखन भाई, पूरी बात सुनकर रामलखन भाई बोलना समझे। चौधरी साहब, पिछले दो इलेक्शन में मैं तुम पर 10 लाख का दाव लगा चुका हूँ। पार्टी ने तुम्हें क्या दिया, सिर्फ 30 हजार? लगता है भूल गए गांव के उस पुराने झोपड़े को जहाँ से मैंने तुम्हें उठाकर एमएलए बनाया, बाद में मंत्री बनाया, और अब तेवर ही बदल गए। हैं? तेवर ही बदल गए? लड़ लेना अगला इलेक्शन अकेले, वापस झोपड़े में नहीं पहुंचा दिया ना। वापस झोपड़े में नहीं पहुंचा दिया ना। अरे यार रामलखन, अरे भाई भूल जाओ पुरानी बातों को और आराम से बैठ के कोई स्कीम बनाओ इस दलदल से निकलने की। और भाई जरा चौकन्ने रहा करो। ठीक है, ये फैमिली प्लानिंग की डॉक्टर आशा है, उसकी जरा ट्रांसफर कर दो। वो तो अभी हो जाएगी। और वो फाउंडेशन स्टोन का क्या करेंगे यार, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। भैया वो मैं सोच रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर के हाथ से रखवा दूँ। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स तो ठीक है, लेकिन ये आशा रानी कहाँ है? आपको मंत्री जी ने बुलाया है गेस्ट हाउस में आपकी ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर के लिए? अच्छा चलो चलिए। डॉक्टर जी जल्दी चलिए, मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। तुम चलो बेटा, हम मंत्री जी से मिल के आते हैं। जब तक तो मेरी दादी माँ मर जाएगी। अच्छा चलो चलते हैं, तू रो मत। सुनो जी? तुम चलो, हम मरीज को देख कर आते हैं। जी। चलो बेटा। दादी माँ डॉक्टर ने जी आ गई। हाँ क्या हुआ दादी माँ आपको? आप खाने पीने का ध्यान तो रखती नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जरा देखने दीजिए, सांस लीजिए। हाँ बेटी, हमारे गांव में आके गरीब लोगों की बड़ी सेवा करी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। अरे दादी माँ ये तो हमारा फर्ज है, आप लोग की सेवा नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी। दादी माँ ये दवा ले बेटे। अरे दादी माँ कोई बेटी अपने माँ से भी पैसे लेती है क्या? तूने मुझे माँ कहा भगवान तेरी उम्र लंबी करे। अच्छा दादी माँ ये दवा आप 4-4 घंटे के बाद पीती रहिएगा। अच्छा हाँ आ गई। आइए आइए आशा जी, आइए आइए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते। अरे आप ही का इंतजार हो रहा था, मंत्री जी तो आपका इंतजार करके चले भी गए। अच्छा लेकिन हमारा काम तो हो गया ना सरपंच जी। आपका काम? हाँ आपका काम कैसे नहीं होगा। आशा रानी, रामलखन सिंह जिस काम में हाथ डाले और वो ना हो, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। ओह थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब, थैंक यू। ठाकुर साहब हाँ, जिस गांव में आप जैसे सरपंच हो हाँ, वो गांव भला क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? हाँ, हाँ, और गांव आगे बढ़ेंगे तो शहर आगे बढ़ेंगे, शहर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अच्छा ठाकुर साहब हाँ, आप इजाजत चाहती हूँ। हाँ जरूर जरूर। नमस्ते। अच्छा अरे ये क्या, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा बंद किया गया है क्योंकि आशा देवी जब गांव आगे बढ़ रहे हैं, शहर आगे बढ़ रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है ना? तो क्यों नहीं हम दोनों इस बंद कमरे में 2 कदम आगे बढ़े? छोड़ कमीने। सीता का दिया दरिया मरियम कभी बनाया ना
हमने कभी बुलाया। कितनी बदल गई अब वो सभ्यता हमारी, सब कुछ लुटा के धूल पे लटकी है आज नारी, लटकी है आज नारी। ये बेजुबान लोग भी जुबान भूलते हैं, कोई जाके उनसे कह दे, कोई जाके उनसे कह दे, पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं। ये बेजुबान लोग भी जुबान भूलते हैं। ये तो गजब हो गया भैया कि डॉक्टर घोड़ा कहत रहत ना कि डॉक्टर नहीं पेट से रही, ये तो शहर के डॉक्टर की रिपोर्ट है। ये तुम कहा कहते हो भैया? हाँ भैया हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। कलयुग में तो यही होगा भैया, छटंकिया कहत रहा, जब दरोगा जी ने डॉक्टरनी की बंद मुट्ठी खोली तो उसमें मार्ट साहब का फोटो निकला रहा। हाँ भैया, तुम लोगों को दरोगा जी से ज्यादा मालूम है क्या? न आगे देखा न पीछे, जो मुँह में आया भग दिया। अरे इस बात का फैसला तो कल पंचायत में हुई। भैया पंच तो परमेश्वर होते हैं, हमारे सरपंच साहब तो देवता है। हाँ तो डॉक्टर घोड़ा क्या खबर लाए हो? हम पंचों को ही बतलाने आए हैं कि डॉक्टर आशा रानी 2 महीना का पेट से थी। और ये खबर हम मुर्दा खाने से लेके आ रहे हैं, और कागज पर हम सिविल सर्जन का दस्तखत खुद अपनी आंखों से देखा। तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि आशा रानी पर यह अत्याचार किया कौन, और उसको 2 महीने का पेट दिया कौन? ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाई, पूरे गांव के लोग तो कह रहे हैं कि ये हरामजदगी उस मास्टर बाबू की है। अरे जय गोपाल जी की, पर ये बात आप कैसे कह सकते हैं मालिक? 16 आने की बात कही छटंकी, दिमाग अच्छा चल रहा है आज तेरा। इसीलिए तो हमने दरोगा जी को बुलाया है। बताइए दरोगा जी, हम ये जानते हैं कि आशा रानी की मुट्ठी से मास्टर साहब का फोटो निकला है, लेकिन पुलिस फिर भी किसी ठोस सबूत की तलाश में है। उस सबूत के मिलते ही विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालिक एक बात और कहें, हम तो ये पूछा चाहत रहा कि सरकार ने ऐसा मास्टर ही गांव में भेजा क्यों? अभी तो शुरुआत है मालिक, आगे आगे देखिए होता है क्या। मालिक हमने तो उड़ती उड़ती खबर भी सुनी है कि मास्टर जी की लिस्ट में बाबूराम की बेटी का नाम है। आपने भी कुछ सुना बाबूराम जी? आपको शर्म आनी चाहिए, तू बना दिए। अरे नहीं नहीं, मैं जनकिया को बचपन से देख रहा हूँ, बड़ी शरीफ लड़की है वो। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे देख, दुखी होकर चला गया बेचारा। जी 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 जी, बापू आ गया। बापू मुन्ने, एक बंडल बीड़ी ले आ लपक के। बापू बापू, पंचायत खत्म हो गई क्या? अभी चल रही है, अब तुम्हें मार्च साहब से मिलने की जरूरत नहीं। और उनसे तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। पर बापू, तुम ये बड़े लोगों का चक्कर नहीं जानती। ये 2.25 गज जमीन के ऊपर और 2.25 गज जमीन के नीचे, पता है डॉक्टर नी के मुट्ठी से तेरे मार साहब का फोटो निकला है। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, अब स्कूल मत जाइए, गांव में सरपंच और गांव के सारे लोग आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्कूल जाओ मुन्ना। हम स्कूल जरूर जाएंगे। की माता जय गोपाल जी की, माता जय गोपाल जी की। देखिए ना, लौंडों ने क्या नहीं क्या लिख डाला। मालिक की सेवा में नजर भाई कमजोर, ये जानकी बाई तक तो पढ़ डाला। आगे नजर भाई कमजोर।
जानकी तक पढ़ लिया ना जी। आगे मैं तुझे पढ़ाता हूँ। उठ मारो थाने को। क्या कर रहे हो? जी मास्टर जी को सब लोग पत्थरों से मार रहे हैं। हाय भैया चल मुन्ना। क्यों भाई? ये ले क्या भाई? मत मारो मत मारो विजय। मेरे विजय को मत मारो। नहीं मेरे विजय को मत मारो। नहीं नहीं मेरे विजय को मत मारो। मेरे विजय को विजय जाओ जानकी। मैं नहीं विजय नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा। तुम जाओ जानकी तुम जाओ। नहीं विजय नहीं मैं कहता हूँ तुम चली जाओ। नहीं विजय नहीं इसे मत मारो। अरे कहो भाई कहो कहो चल जानकी। नहीं बापू मैं कहता हूँ चल यहाँ से। चल चल मुझे छोड़ दो। चल विजय जानकी चल नहीं नहीं बापू नहीं विजय विजय अरे मुन्ना दीदी कैसी है? जीजी को आपसे कम चोट लगी है मास्टर जी। बात करिएगा। हाँ चलो जाने की जरूरत ना है फोन पे बात कर लीजिए। अच्छा जीजी जीजी बोलो मुन्ना। मास्टर जी जीजी फोन पर लीजिए बात कीजिए। जानकी कैसे हो? तुम कैसी हो? लो खुद ही तो उस दिन कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छी हूं फिर क्यों पूछ रहे हो? हम सोच भी नहीं सकते थे कि गांव वाले इतने बेदर्द हैं। नहीं जानकी गांव वालों का अपना दर्द इतना ज्यादा है कि अगर दर्द जरा भी और बढ़े तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत चोट लगी है ना? लेकिन तुम घबराओ मत जानकी। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का जो मैंने वादा किया है तुम्हारे सामने झूठा नहीं पड़ूंगा। ना विजय ना हमको तुम्हारे लहू से भीगा सिंदूर नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तुम शहर लौट जाओ विजय। तुम शहर लौट जाओ। शहर लौट जाओ। तुम शहर लौट जाओ। हाँ मार्ट साहब जनकिया ठीक कह रही है। तुम शहर लौट जाओ। नहीं नहीं बापू नहीं 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 बापू नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब आप? चलिए मास्टर साहब। चलूं? लेकिन कहां? अभी थाने चलिए जेल बाद में होगी। लेकिन मैंने किया क्या है? पंचायत की रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच ने आप पर कत्ल के जुर्म का इल्जाम लगाया है और ये मेरे पास वारंट है। सरपंच ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है? जी हाँ। चलिए रोको। क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसे अस्पताल लेकर जाओ। भागने न पाए पकड़ो इसे। हाँ
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मास्टर तू, जब चूहे की मौत आती है तो वो शेर की गुफा को अपना बिल समझता है, लेकिन अंजाम मैं बताता हूं। तूने पुलिस को रिश्वत दे के मुझे फंसाया है ठाकुर, आज मांग ले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तेरे जुल्म के दिन खत्म हो चुके हैं। पुलिस दिन तो तेरे खत्म हो गए मास्टर तनक, अब मैं पढ़ाऊंगा और तू पढ़ेगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब ये पकड़ो आपका मुजरिम, हम तो वैसे भी कानून के रखवाले हैं। चलिए विजय कुमार चलिए, चलो। जी 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 मास्टर जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? जानी वाली
कहां गई थी? हम कुछ पूछ रहे हैं ना, कहां गई थी? बोल, कहां गई थी? बेशर्म! ठीक है, चुप कर। हम दो दिन के भीतर भीतर ब्याह करके अलग करते हैं तुमको। अब रो रही है, चल बे मुन्ने मेरे साथ, चल। मालिक, एक बात कहे मन का, एक दफे हमो के घोड़े पे चला देना, आगे आगे ढोलता सा, पीछे पीछे हम। मरता जा रहा है क्या? मरता जा रहा है, है? नहीं, कथा कहीं का करवा देंगे मालिक। सरकार, बाबूराम आया है। मालिक, बाबूराम। राम राम मालिक, राम राम। राम राम, राम राम। जय गोपाल जी की, बाबूराम जी। जय गोपाल। मालिक को अभी हम तेल लगा रहा था। लगाइए लगाइए। क्या हालचाल है बाबूराम? हैं? तुम्हारे जमाई तो गए पड़े घर। क्या बताएं मालिक, अब हम जा रहे हैं रामपुर। राम जनक का लड़का सातवीं तक पढ़ा लिखा है। हाँ, पागल हो गया है तू, पागल हो गया है। गांव के सारे लड़के मर गए क्या? इस छटंकिया में क्या खराबी है? छटंकिया? देख देख कैसा शर्मा रहा है। नहीं मालिक, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, राम जनक के बेटे को भी देख कर आ जाओ। और ये लो कुछ पैसे साथ रखो, खाली हाथ मत जाना, मिठाई लेकर जाना। लो मालिक। मालिक, मालिक। अरे भाई, तू मेरा खास मजदूर है, खास मजदूर है, खाली हाथ जाएगा तो नाक मेरी कटेगी। जा जा फटाफट रामपुर जा, चल चल जल्दी जल्दी। जैसी आपकी आज्ञा मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। जा। मालिक, एक तो सरवा ब्याह को तैयार नहीं हुआ, ऊपर से आप उसको 200 रुपया भी दे दिए। पैर दबा, पैर दबा। शादी ब्याह में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, समझा कर। जाके जनकिया को पटा ले। हैं? गोपाल जी की का है? बाबूराम जी हैं? ना है ना। मुन्ना है? ना है ना। तो बहुत अच्छी बात है। जनकिया, एक हमका तो से प्राइवेट बात करे के है। का बात है? का बात है, गुप्त बात है। ये हम तोरे कान में बोलब। अपन कान यहाँ ले आओ ना। हमारा कान कोई मिठाई का दोना है क्या? यहाँ ले आओ, बोलो। जय गोपाल जी की, जनकिया तू कोनो फिल्म देखी है? नहीं नहीं। बड़ मुश्किल होएगा। अगर तू कोनो फिल्म देखी होती ना, तो हम तो से पूछ लेते कि कादर खान का डायलॉग बोले कि नदीम खान का। ये डायलॉग कहो थे? कहो था छत्तरी की चटंकिया कहां फंस गए। अब जनकिया, ए जनकिया, वो जो तो का मार्च साहब से रहा ना प्रेम, वो हमका तो से है। अपने दिल की खाली कोठरिया में इतनी सी जगह दे देना। आपके हाथ का थप्पड़ झापड़ लातन मुक्का बहुत खाया, पर जनकिया के हाथ का थप्पड़ आए हाय। जय गोपाल जी की। हमें अच्छी तरह याद है उसका थप्पड़। नाक को दूध खिलाओ, आज नाग पंचमी का दिन है, पुण्य मिलेगा। नाग को दूध खिलाओ भाई, नाग को दूध खिलाओ। नाग पंचमी का दिन है, नागों को दूध खिलाने का दीवार है आज का दिन। नागों को दूध खिलाने का दिन है आज, नाग पंचमी है, नाग पंचमी। नाग पंचमी का दिन है,
सर। राम राम मालिक। राम राम। राम राम। बोलो कैसे आना हुआ? आज नागपंचमी का दिन है, हमारे गांव में एक नौटंकी आई है, उसमें आप जरूर पधारे मालिक। हाँ हमें मालूम है, हम जरूर पधारेंगे। क्या नाचिए रे वो छोकरिया,
राम कसम अपना तो दिल ले गई। वाह वाह राम राम सरकार। अरे जल्दी घर जाओ नहीं तो घर वाली जो छोटा मोटा दिल बचा है ना उसको भी तोड़ देगी। जाओ जल्दी घर। लेकिन अच्छी नाची है पर ये छटंकिया कहाँ गया? कहीं नाचने वाले के पीछे तो नहीं गया? सरकार मैंने उसे जनकिया के पीछे जाते हुए देखा है। हाँ सरकार वो बाबूराम की छोकरी है ना ओका चाल चलन ठीक नहीं पा। हाँ हाँ चलो देखते हैं। दरवाजा खोल दरवाजा खोल। क्या कहा? हाँ दोबारा बोले ना तो जबान निकाल कर हाथ में रख दूंगी। हमारा बाप तुम्हारा बंधुआ जरूर होगा पर हम ना है। जबान संभाल कर बात किया कर हमसे। चुप अंदर आके देख ले। तू नहीं तेरा गंदा पैर निकाल हमारे घर के बाहर। अच्छा जाओ चला अंदर चल के देखा। यहां तो कहीं नहीं है। जमीन निकल गई या आसमान खा गया? अच्छा चेटंकी तो ये है तेरी नौटंकी। जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। चल बारीगर निकल निकल भाई यहाँ छुपा हुआ है। चल तो चल छोटे भाई चलते हो भाई। चल पलंग के नीचे छुपा है। क्यों और कितने ग्राहक अंदर है? नहीं, नहीं? छटन किया हुजूर इसे क्यों मार रहे हो? इसका फैसला तो कल पंचायत करेगी। तुझे कुछ कहना है बे छटन किया? जय गोपाल जी की। अब हम कहा कह सकते मालिक रंगे हाथों पकड़े गए। अब भूल चुक माफ करो मालिक। अब ऐसी गलती कबूल ना हुई। माफी कैसे दी जाए है? कैसे माफी दी जाए? तेरा अपराध बहुत बड़ा है। फिर लोग कह सकते हैं कि सरपंच का आदमी था इसलिए माफ कर दिया और साथ में गांव की इज्जत आबरू का भी सवाल है क्या नहीं? है ना। इसलिए प्रस्ताव रखता हूं कि छटंकिया का जानकिया के साथ विवाह करके ये किस्सा खत्म किया जाए और छटंकिया बाबूराम को इस विवाह के खर्चे के वास्ते 250 रुपया नगद देगा। दुहाई है मालिक खर्चा तो नहीं कम किया जाए। 250 रुपया तो मैं कथा कही का अब पंचों की जो राय होगी वो पंच कौन होते हैं मेरे ब्याह का फैसला करने वाले? हम पंचायत की बेटी नहीं है। अरे क्या तू पगला गई है जनकिया? हम ना पगला गए हैं और ना ही लोग अंधे हैं। छटंकिया अगर आप लोगों में से किसी की बेटी की चारपाई के नीचे से निकल आए तो क्या आप लोग अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दीजिएगा? उसके साथ मेरा ब्याह सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मैं एक बंधुआ मजदूर की बेटी हूँ। गरीब की बेटी होने का मतलब बहुत गलत निकाला है आप लोगों ने। अरे बिटिया तू कैसी बातें करती है? पंचों से कोई ऐसी बात करता है? पंच तो परमेश्वर होते हैं। परमेश्वर के ऐसे लक्षण नहीं होते बापू। ये लोग अपनी अपनी बेटियों को बचाने के वास्ते तुम्हारी बेटी की डाली दे रहे हैं सरपंच को। अरे हद से आगे मत बढ़ बेशरम। तेरी ये मजाल के मालिक के वास्ते ऐसा बोले? छटंकी के साथ ब्याह नहीं करेगी तो खोद के गाड़ देंगे हम। तो गाड़ दो ना खोद के। मैं छटंकिया से ब्याह नहीं करूंगी। कोई जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। छटंकी के साथ तेरा ब्याह होगा हम भी देखते हैं कैसे नहीं करती। तेरा ये हिसाब के बराबर में जवाब देती है सवाल लगाती है। तेरे को छटंकिया के साथ ब्याह करना ही होगा। मैं नहीं करूंगी। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं करती। छटंकी के साथ तेरे को ब्याह करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ छटंकी के साथ ब्याह करना ही पड़ेगा।
बेटी, बेटी, इस ब्याह को मान ले बिटिया। नहीं बापू नहीं। लोगों के तकदीर में अपने मर्जी की ना लिखी है बापू। वो रामपुर के जनक राम का बेटा अपने नसीब में ना ही। हमारा मालिक हमारा बहुत ख्याल किए हैं बापू, कि छटंकी के साथ तेरा ब्याह करने को कह रहे हैं। नहीं बापू नहीं। तुझे मेरी कसम, मना मत कर बेटी, इस ब्याह को कर ले बेटी, ब्याह कर ले बापू, ताकि ताकि हम नहीं बापू, हम कहीं आए आम से मर। इस केस में पुलिस का रवैया और छानबीन का तरीका बहुत ही गलत रहा, यह बड़े शर्म की बात है। मुलजिम विजय कुमार वल्द मरहूम द्वारका प्रसाद सिंह के खिलाफ अपने केस को साबित करने में सरकार पूरी तरह असफल रही। इस अदालत को तो यह केस झूठा भी लगता है, लिहाजा केस खारिज किया जाता है और विजय कुमार को बरी किया जाता है। थैंक यू। आग की लपटों में अरमान जल रहे हैं, कहने को है जिंदा पर इंसान जल रहे हैं। मजबूरियों का दादा बेबस बेचारा शाही, अंधेरे है ये कैसा, ये कैसी है तबाही, ये खोलते हैं। कोई जाके उनसे कह दे, कोई जाके उनसे कह दे, पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी बोलते हैं, ये बेजुबान लोग भी जुबान खोलते हैं। जयगोपाल जी की जनकिया, ए देख हम तो के बहुत खुश राखब। हाय वो दिन का थप्पड़ हम ना ही भूले। अरे तोरे हाथ में तो इतना दम है कि हमारी खोपड़िया नाच गई। कहाँ है भाई? मालिक बुलात है, कोनो जरूरी काम है। अब अभी इसी बात, तुम चलो हम आवत। अच्छा जनकिया तू घबराए जिन, हम कुत्ते की चाल से भाग के गए और बिल्ली की चाल से दौड़ के आ जाएंगे। अंदर तो दरवाजा बंद कर लियो। हाँ साला अभी तक नहीं आया। आपने बुलाया मालिक? ताला खुल गया। अबे नहीं कहा मालिक। नहीं कोई बात नहीं है, अब जनकिया जोरू बनकर बाकायदा तुम्हारे घर पर आई है। सब आपे के कृपा मालिक। ढाई तीन घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि अभी अभी मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने कोई जरूरी कागजात मंगवाए हैं। कागजात बहुत टॉप सीक्रेट है और मेरा किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाइए। ये रहे कागजात और ये रही गाड़ी की चाबी। अब इन्हें मालिक आइए जल्दी जी। Thank you.
क्यों शोर मचा रहे हो? क्या है भैया? जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। अरे भाई मुझे बहुत जल्दी है, मंत्री जी से मिलना है। अरे मंत्री जी तो 3 दिन से दिल्ली गए हुए हैं। क्या बात करते हो? अभी अभी सरपंच जी से बात हुई टेलीफोन पर। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। हाँ? लेकिन अभी सरपंच जी से। अरे सरपंच जी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। अरे जाओ यार, दिमाग खराब करते हैं आके। चले आते हैं गांव से मंत्री जी का मिलने। हवेली नहीं है कि जब जी चाहे चले आओ और जब जी चाहे चले जाओ। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से। झांसे की रानी, वाह चलकिया, अगर देश का हर नारी में तोहरे जैसा हिम्मत हो जाए तो औरतन पर कभी अत्याचार न होए, औरतन की इज्जत सातवें आसमान पर पहुंच जाए, देश फिर से सती सावित्री का देश हो जाए, ऐसा रावण न पैदा हो। चलकिया, चलकिया हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। चिंकिया, चिंकिया तू अपने भाई के घर चली जा, ये खून का इल्जाम हम अपने सर पर ले ले। चिंकिया एक मौका मिला है जिंदगी में, एक तो अच्छा काम करे थे। जानकी मर्सा, आप मर्सा भाग क्या गए? का भाग के नहीं, बेकसूर छूट के आया हूं। लेकिन तुमने अभी जो जानकी से बहादुरी की बात कही, इस बात की गंगा में तुम्हारे पाप तो धुल गए, लेकिन अपने पाप के साथ जानकी की मांग का सिंदूर भी बहा देना चाहते हो? कैसन सिंदूर है, कैसन शादी मार्ग साहब? सिंदूर नहीं मार्ग साहब, ठेंगा है। जानकी अभी तक कुंवारी मार्ग साहब, सरपंच के साथ साथ ही सब खत्म हो गया। मार्ग साहब ये आपकी अमानत है, आप एक ले जाओ। नहीं, ये कैसे ले जाएंगे? मेरा ब्याह तो आपके साथ हुआ है और ये मंगलसूत्र भी आपने मुझे पहनाया है, ये कैसे ले जाएंगे? ठीक कहता, हम पहना है ना ये मंगलसूत्र, हम पहना है ना, हम पहना है तो हम इसे तोड़ देते। अब तुम आजाद हो, अभी हमरी कैसे आजाद है? मतलब मतलब अभी इस सरों के लाश को यही छोड़ के आप तुम नहीं, नहीं चले जाओ। ये खुद मैंने किया है ना, और इसकी सजा नहीं भुगतूंगी। नहीं जानकी, देखो जानकी जिद मत करो, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं इस लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता? इस लाश का तेल पांच हमें ही कर दे। मार्ग साहब तुम हमें मदद करो, चलो। हाँ चलो। Thank you.
तुम भाग जाओ, हट जाओ मार्ग साहब, मैं कहता हूँ तुम भाग जाओ। ये बटन हम दबा के जाए ताकि दूसरी आवाज ना हो सके। हटो रे। सब ठीक हो जाएगा। सर का खान हम कहना ही छोड़े वाला। भगवान ने हमका मौत का सजा सुनाई दी। मतसब मतसब सबसे पहले लोगन के मालूम पड़े कि ठाकुर का शिकार कैसे उड़ गया। अब चनकिया को लेकर यहां से चले जाए। देखो चनकिया, देखो मतसब देखने का टाइम नहीं मत सर, समझने को कोशिश कर मत सर। मत सर हमने मरे के सिवाय चनकिया का मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था। मत सर आपकी अमानत है। मत सर हम आपको सौंप दिए चनकिया। मत सर क्षमा कर दो। छटंकी छटंकी